हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। माय नेम इज राहुल एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अलजेब्रिक फॉर्मूला। ओके, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो सिंपल सबसे पहले हम ए और बी का कुछ वैल्यूज लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू 5 ले रहा हूँ एंड बी का वैल्यू 6 ले ले रहा हूँ। ओके, एंड इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। देखते इसका वैल्यूज क्या आता है। तो मेरा क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 6। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 5 6 11 इंटू और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा मुझे -11। ये क्या हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का आउटपुट हो जाएगा -11। ओके, तो ये है हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला a² - b² ओके, तो हम इसको मैनुअल भी कर सकते थे बट इसको हम कोड में करेंगे कि इसका हम कोड लिखेंगे ताकि हमें केवल हर बार केवल a और b का वैल्यू डालना पड़े और हमें आउटपुट हमारा मिल जाए। ओके, तो कोड लिखने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा कोड का आउटपुट इनपुट एंड लॉजिक क्या है। तो अगर हम a और b का वैल्यू 5 और 6 लेंगे तो हमारा आउटपुट हमें -11 मिल जाएगा। एंड सेकेंड हम आते हैं इनपुट की तरफ। तो यहाँ पर मुझे सेम ही दो इनपुट लेना है, a और b का इनपुट लेना है और दोनों को इंट में ही लेना मुझे। एंड मैं ले लेता हूँ इंट इनपुट फंक्शन, यहाँ पे मैंने इंटीजर भी ले लिया इनपुट का। एंड थर्ड आते हैं हम लॉजिक पार्ट की तरफ कि हमारा कोड का इसका लॉजिक क्या है। सो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना है रिजल्ट नाम का, उसमें हम क्या करेंगे अपना फॉर्मूला का पुटअप करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी, तो मेरा हो जाएगा ए प्लस बी फिर मल्टीप्लाई ए माइनस बी एंड हम सिंपल प्रिंट कर देंगे अपने रिजल्ट को। तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था, तो अभी हम इसको लिखते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं कि हमारा आउटपुट प्रॉपर आता है कि नहीं आता। ओके, तो जाता हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और न्यू फाइल लेता हूँ मैं कंट्रोल एन से और फाइल को मैं सेव करता हूँ। ओके, तो फाइल को सेव करो अपने डॉक्यूमेंट पाइथन में और मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, जस्ट लाइक मैं फाइल का नाम दे देता हूँ अलजेब्रिक 4.py। ओके, क्योंकि वन में मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, सेकेंड में मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया था एंड थर्ड में मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब किया था एंड अभी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैं अलजेब्रिक 4.py मैंने नाम दे दिया। ओके, सबसे पहले मुझे दो इनपुट लेना है, तो मैं लेता हूँ इंटीजर int इनपुट। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ इंटर ए वैल्यू, ए का वैल्यू इंटर करो यूजर से एंड इंट तो यहाँ पे मैंने दो इंटीजर इनपुट ले लिया है। अभी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट नाम का, रिजल्ट 1 बना लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो मैं रिजल्ट 1 बना लिया मैंने एंड अभी मैं क्या करता हूँ कि फॉर्मूला को पुटअप करता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, एंड सिंपल यहाँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि द रिजल्ट इज इक्वल टू, द रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट 1। ओके, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ अपने टर्मिनल में। तो मैं लिखता हूँ पाइथन अलजेब्रिक 4.py, यहाँ मुझे ए आर बी का वैल्यू मिल रहा है। तो मैंने 5 और 6 डाला था तो मुझे माइट बी आउटपुट -11 मिला था, तो सेम ही आउटपुट इनपुट डालता हूँ। अब जैसे मुझे परफेक्ट आउटपुट मिला -11। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोड का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे ले सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।